नीमच जिले के समीप ग्राम भड़भड़िया के ग्रामीणजन बड़ी संख्या में आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अतिक्रमण हटवाए जाने की मांग करते हुए कलेक्टर के नाम तहसीलदार अजय हिंगे को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि ग्रामीण भड़भड़िया में बावड़ी खोकर देव जी का देवरा, नाग बाब जी, हनुमान जी और माता जी का मंदिर है। मंदिर से नाले तक गांव के कुछ दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। शासकीय जमीन पर रोड़ी खोद दी गई, बाड़े आदि बना लिए गए हैं और ये लोग गंदगी फैलाते हैं। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों द्वारा मांग रखी गई कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए और गांव में मौके पर उच्च अधिकारी या स्वयं मौका स्थल का निरीक्षण कर शासकीय जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए, जिससे कि गांव की स्वच्छता बनी रहे और शासकीय जमीन अतिक्रमण मुक्त हो सके। ज्ञापन सौंपते समय बलराम पाटीदार, रामकिशन पाटीदार, शंभूलाल, दशरथ लाल घनश्याम सुभाष, सुरेश जगदीश, कमलेश घनश्याम, जगदीश चंद्र प्रकाश, डालूराम नंदकिशोर, ईश्वरलाल, किशनलाल, ओम प्रकाश, जगदीश राठौर सहित कई लोग उपस्थित रहे। तो उसमें यह बहाना बनाया जाता है कि इन सर्वे नंबर को इलाहाबादी में घोषित कर दिया गया है, लेकिन इलाहाबादी में घोषित कब हुआ इसकी जानकारी ग्रामीणों को नहीं है। और जब 181 पे शिकायत की जाती है तो उसमें ये बताया जाता है कि ग्राम सभा की बैठक और पंचायत की बैठक में इन सर्वे नंबर को इलाहाबादी में लिया गया है, लेकिन मैं उपसरपंच होते हुए मुझे नहीं मालूम है कि किन किन सर्वे नंबर को इलाहाबादी में लिया गया है। इलाहाबादी में सिर्फ जिन जगह सीसी रोड बनाने में परेशानी आ रही थी उन सर्वे नंबर को इलाहाबादी में लेने के लिए बात कही गई थी, लेकिन जिन लोगों के मकान अतिक्रमण में बना दिए गए हैं या पैसे लेके बनवा दिए गए हैं उन लोगों के सर्वे नंबर तो डाले ही डाले, लेकिन जिन लोगों से पैसे मिलने की उम्मीद थी उन लोगों के सर्वे नंबर भी इलाहाबादी में शामिल कर लिए गए हैं। उसमें एक सर्वे नंबर ऐसा है जो तहसीलदार का आदेश होते हुए उस सर्वे नंबर को भी इलाहाबादी में डाल दिया गया है, जिसमें तहसीलदार महोदय का आदेश है कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए और सिविल जेल भेजा जाए इसको। वो सर्वे नंबर 446 खुद सरपंच का है। जब वो विवादित सर्वे नंबर होते हुए उसको इलाहाबादी में डाला गया, ये कैसे हो सकता है? जिसने भी ये रिपोर्ट तैयार करी वो व्यक्ति सही रिपोर्ट तैयार नहीं कर रहा है। क्या मानना है, भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार बहुत लपके हुआ है और लगभग हम 2 साल से इस कार्रवाई के पीछे पड़े हुए, लेकिन कोई अधिकारी कार्रवाई करने में कौन-कौन लोग शामिल हैं कुछ जानकारी है? इसमें सरपंच और पटवारी तो है ही है, लेकिन बड़े अधिकारी अगर नहीं सुन रहे तो पक्का है कि उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। और जब 181 की शिकायत में बताया जाता है कि पंचायत की मीटिंग में और अपने ग्राम सभा की मीटिंग में ये सर्वे नंबर डाले गए हैं, फिर भी उन सर्वे नंबर में और कलेक्टर महोदय को जो रिपोर्ट पेश की गई है उन सर्वे नंबर में भी बहुत फर्क है, क्योंकि जिन लोगों ने बाद में पैसा दिया उन लोगों के सर्वे नंबर भी जोड़ दिए गए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि इस इलाहाबादी में जो आदेश हुआ उस आदेश को निरस्त किया जाए। लाखों करोड़ों रुपए की जमीन है, हालांकि ऑलरेडी पहले से वहाँ लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को सरपंच द्वारा और पटवारी द्वारा सीधा फायदा पहुँचाया गया है, लेकिन तहसीलदार महोदय ने एक अतिक्रमण जो 446 का मैंने जिक्र कहा उसमें तहसीलदार महोदय द्वारा आदेश दिया गया कि अतिक्रमण हटाया जाए, 20,000 का जुर्माना लगाया जाए और इसको सिविल जेल पहुँचा दिया जाए। और तो उसने अपील करी SDM महोदय के यहाँ, तो SDM महोदय ने उस सिविल जेल कम करके उस केस को तहसीलदार महोदय को रिमांड किया गया, लेकिन तहसीलदार महोदय ने पुराना केस होने की वजह से इस फाइल को बंद किया जाता है। क्या ऐसा होना संभव है क्या? जब तहसीलदार द्वारा अगर तहसील आदेश दिया जाता है और उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है और उन्हीं के आदेश को उनके द्वारा बंद किया जाता है तो ये क्या न्याय संगत हुआ? टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए नीमच से मनोज मीणा की रिपोर्ट।